So hi kids, welcome again. So yesterday we discussed the first four points of the topic mangoes round the ear. So today we have discussed the remaining four points. The points are: the number five is different kind of food items is spoiled due to different reasons to get spoiled. वही same जो हमने कल किया था कि हर किस्म के fruit को सड़ने में एक अलग ही कंडीशन होती है और उसके पीछे कोई ना कोई अलग ही कारण होता है. नेक्स्ट, डिफरेंट फूड प्रिजर्विंग मेथड्स आर यूज्ड टू कीप फूड फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आपने देखा होगा कि आपके घर में कुछ अचार होते हैं और अचार आपकी मम्मी, जैसे मान लीजिए आम का अचार है, वो उन्होंने गर्मियों में डाला लेकिन हम उसे अगली गर्मी तक खाते हैं. इस बीच में वी फेस सम सीजन्स ऑल्सो लाइक समर, रेनी एंड विंटर. देयर इट मीन्स वहाँ बहुत सारे सीजन्स होते हैं लेकिन फिर भी इतना लंबा कैसे चलता है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि कुछ फूड्स बहुत लंबे समय तक चलते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज शुगर एंड जागरी आर वेरी गुड प्रिजर्वेटिव्स. यानी कि जो चीनी है और जो गुड़ है, ये बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. प्रिजर्वेटिव मीन्स किसी भी चीज़ को लंबे समय तक एक ही स्थिति में रखने वाली चीज़ें. जैसे मान लिया अगर आपने चीनी को नींबू के अचार में मिला दिया तो नींबू का अचार ऑलरेडी सिट्रिक एसिड है, वो खुद भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है, लेकिन उसके साथ चीनी जाने से उसके प्रिजर्वेटिव्स लंबा हो जाता है. ठीक है, उसका टाइम पीरियड बहुत बढ़ जाता है. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल्स, आम पापड़, चटनी एंड चिक्की एटसेट्रा. इट मीन्स अगर हमें आम पापड़ वगैरह, इट मीन्स आम से बनी हुई चीज़ें खाने का लंबे समय तक शौक है, यानी हम लंबे समय तक उसे खाना चाहते हैं, तो हमें अचार, आम पापड़ और चटनी और आम की चिक्कीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये मीठी होती हैं और ये लंबे समय तक चलती हैं और इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है. सो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ चैप्टर मैंगोज राउंड द ईयर. लर्न इट वेरी केयरफुली. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.